भैंस एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आप उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप एक रहस्यमय जगह के बारे में सुनते हैं तो आप उसके बारे में जानने के लिए और वहां घूमने के लिए अति उत्साहित हो जाते हैं। प्रकृति के इस रहस्य ने मानव को कुछ अचंभित कर दिया है। और क्यों और कैसे होता है, वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। भारत में कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जो वैज्ञानिकों के लिए गई पहली बनी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। भारत में कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जो बहुत अचंभित करने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय जगह बताएंगे जो आपको अचंभित करने वाली है। भारत में एक जगह है रूपकुंड और ये स्थित है हिमालय की गोद में। इस कुंड में बिखरी पड़ी हैं इंसानी हड्डियां। ये स्थित है समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊपर, यानी जो 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। और ये हिमालय की तीन चोटियों जो त्रिशूल की तरह दिखती है के बीच स्थित है। और त्रिशूल चोटी को भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में गिना जाता है क्योंकि कमाऊ क्षेत्र में स्थित है। इस कुंड या झील को कंगालों की झील के रूप में माना जाता है। और ये हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। और इसकी खोज 1942 में एक अंग्रेज फॉरेस्ट रेंजर ने की थी। और ज्यादातर साल भर इस झील का पानी जमा रहता है और मौसम के हिसाब से ये झील आकार में बढ़ती और घटती रहती है। और झील पर ये जब बर्फ घट जाती है तो इंसानी कंगाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इस हड्डियों के साथ पूरे इंसानी शरीर भी होते हैं। और ऐसा लगता है कि इन इंसानी अंगों को सुरक्षित करके रखा गया है। और कहा जाता है यहाँ पर 800 इंसानों के कंकाल पाए गए हैं। और काफ़ी सालों से इन कंकालों का अध्ययन वैज्ञानिक करते रहे हैं और वो लगे हुए हैं कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में। और दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये कंकाल किन लोगों के हैं, उनकी मौत कैसे हुई और ये लोग कहाँ से यहाँ आए थे। और इन कहानियों को लेकर एक पुरानी कहानी यहाँ बताई जाती है। जाता है कि ये कंकाल एक राजा रानी और उनकी प्रजा के हैं जो एक बर्फीले तूफान के शिकार हो गए थे और उसके बाद यहीं दफन हो गए। इन कंकालों को शुरुआती अध्ययन से पता चला है कि ये 800 साल पुराने हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन लोग की हाइट सामान्य लोग से अधिक थी। कहा जाता है कि मरने वालों की एज सामान्य थी, लगभग 30 से 40 के बीच। और इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी सब मिले हैं। लेकिन यह अचंभे की बात है कि बच्चे का कोई भी कंकाल यहाँ पाया नहीं जाता। और समानता वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये कंकाल एक ही समूह के लोग के हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये 9वीं सदी के लोग हैं जो कि किसी आपदा कारण मारे गए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9।